स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसका पार्ट वन कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट टू, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट टू। जैसा कि हम पार्ट वन में डिस्कस किए थे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड बन रहे थे, यानी कि जो कंट्रीज थे एक दूसरे से जो कनेक्ट हो रहे थे, उसके क्या प्रोसीजर था, या स्टार्टिंग स्टेज में एंशिएंट टाइम में कुछ ट्रेड का हम लोग एग्जांपल लिए थे। जैसे कि हम बात किए थे सिल्क रूट की, सिल्क रूट से कैसे ट्रेड होता था एशिया, उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद यूरोप के बीच में। उसके बाद और भी डिफरेंट फैक्टर्स हम लोग देखे थे उसमें, कि और भी ट्रेड के क्या मेथड्स थे, कैसे जो कंट्रीज थे वो ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। जैसे हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात नहीं किए थे, हम बात किए थे प्री मॉडर्न टाइम की, हम बात किए थे एंशिएंट टाइम की या मेडिवल टाइम की, उस टाइम भी ट्रेड होता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इस चैप्टर में एक चीज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि क्या ट्रेड का जो रेट था अभी, यानी कि जितना फास्ट अभी ट्रेड हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, तो क्या उस टाइम था। तो कंपेयर करना ही यहाँ पे बेकार है, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो इसलिए ट्रेड उतना ज्यादा एडवांस नहीं था, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड इतने ज्यादा कनेक्ट नहीं थे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, इसमें हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, जिसके बाद जो कंट्रीज हैं एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो पॉइंट है हमारा, द 19th सेंचुरी 1815 से 1914 तक, ये 1914 हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईयर है किस चीज का, वर्ल्ड वॉर का। तो 1815 से 19th सेंचुरी तक, तो हम एक चीज कहना चाहेंगे यहां पर कि अर्ली 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी के बीच का जो चेंजेस था, स्पेशली इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ फ्लोज विद इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज। जैसे कि इस टाइम पीरियड में जो चेंजेस हो रहे थे, या जिस चीज का ट्रेड हो रहा था, वन प्लेस से दूसरे प्लेस जो चीजें मूव कर रही थी, उसमें से थ्री इंपॉर्टेंट चीज थे, और उसमें से इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट क्लोथ और वीट। क्लोथ यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, या टेक्सटाइल ट्रेड जो है, इस स्टार्टिंग स्टेज का ट्रेड है। काफी दिनों से, बहुत ही साल पहले से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं किस चीज का, टेक्सटाइल का। या हम अगर इंडिया से, अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के जो हैंडमेड क्लोथ्स होते थे, इंडिया के जो स्किल्ड वीवर्स होते थे, इनके क्लोथ्स की काफी ज्यादा डिमांड थी पूरे वर्ल्ड में। चाहे हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, चाहे हम वेस्टर्न अफ्रीकन मार्केट की बात करें, या हम अमेरिकन मार्केट की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं थे, ठीक है, अमेरिका से। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोथ, और इसके साथ साथ वीट। वीट कैसे इसेंशियल हो जाएगा, आगे के कुछ पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लोथ के साथ साथ फूड आइटम्स भी इंपॉर्टेंट गुड्स होता था इस टाइम में ट्रेड के लिए। सेकंड पॉइंट जो है आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हम देखते हैं कि कॉलोनियल टाइम जो है, या यूरोपियन कंट्री जब नए लैंड की खोज करते थे, वहां पर वो जब सेटल हो जाते थे, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो एज अ लेबर स्लेव वो ले जाते थे, या दूसरी बात की बेटर अपॉर्चुनिटी के सर्च में लोग मूव करते थे। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा माइग्रेशन है। और यहां पर थर्ड पॉइंट का जिक्र करेंगे, कैपिटल ऑफ शॉर्ट टर्म। कैपिटल ऑफ शॉर्ट टर्म का मतलब अलग अलग चीजों की जो प्रोडक्शन है, उस चीज के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी हम लोग को फंड की। तो कैसे शॉर्ट टर्म लोन अलग अलग नेशंस प्रोवाइड करते थे, या किसी नेशन के जो इंडस्ट्रिस्ट हो गए, या जो बैंकर्स हो गए, या जो तालुकदार हो गए, वो कैसे शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते थे, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब यहां पे देखिए, बोले गया वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। वर्ल्ड इकोनॉमी जो था एक अलग चेंजेस ले रहा था, कह सकते हैं हम क्या कि इस टाइम पीरियड में वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अलग लेवल का ग्रोथ हो रहा था। वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे ग्रोथ हो रहा था, क्योंकि कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे ड्यू टू हेल्प ऑफ ट्रेड। और उसका मेन कारण क्या था, क्योंकि यूरोपियन नेशन ने नए नए लैंड की खोज की थी, डिस्कवर की थी, सी रूट का डिस्कवर उन्होंने किया था, तो अपनी यहां की जो चीजें थी वहां पर इंट्रोड्यूस करते थे, वहां की जो चीजें थी अपने यहां ले जाते थे। और इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था कि वो जो नए लैंड की खोज किए हैं, वहां के रिसोर्सेज को लार्ज स्केल में यूज कर सके, इनका मेन पर्पस होता था, ठीक है। अब देखिए फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब यहां पर हम जो बात करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन और साथ ही साथ कंजम्पशन की, फूड प्रोडक्शन का क्या प्रोसीजर था, कंजम्पशन रेट क्या था,
क्या किसी नेशन में टोटल फूड का प्रोडक्शन होता था या उसको फूड ग्रेन्स की या डिफरेंट रिक्वायर्ड जो इसेंशियल आइटम्स है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ता था। ठीक है, ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन लोअर लिविंग स्टैंडर्ड। यहां पे बोल रहे हैं कि ब्रिटेन जो है सेल्फ सफिशिएंट बन रहा था फूड को लेकर के, और अगर कोई भी कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लो लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पे फार्मर की कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, फार्मर काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, बिना फार्मर का कोई सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो सही चीज है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ब्रिटेन में, देखिए एक जो टाइम पीरियड जो बोल रहा है 1815 से 1914, ब्रिटेन जो था वो मेडिकल के फील्ड में काफी ज्यादा एडवांस हो गया था। काफी ज्यादा एडवांस मतलब वो जो डिजीज क्रिएट, जो अलग अलग तरह के डिजीज आते थे जिसमें विलेज के विलेज लाखों लोग हजारों लोग मर जाते थे, वैसे डिजीज से सर्वाइव करना सीख गया था। कौन? ब्रिटेन। तो सर्वाइव करना सीख गया था जिसके कारण इसका पॉपुलेशन ग्रोथ काफी लार्ज स्केल में हुआ। और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है आपका तो उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा चाहेंगे, फूड आइटम्स उनको ज्यादा चाहिए। क्लियर सा कॉन्सेप्ट है? पॉपुलेशन बढ़ने से ब्रिटेन को क्या चाहिए था? फूड आइटम्स ज्यादा चाहिए था। और फूड ग्रेन्स, क्योंकि ब्रिटेन एग्रीकल्चरली उतना एक्टिव कंट्री नहीं है, एक तरह से वहां के जो प्रोड्यूसर थे उन पे प्रेशर पड़ा कि वो ब्रिटेन की जो रिक्वायरमेंट है फूड की उसको फुलफिल कर ले। तो बोला कि सेल्फ सफिशिएंसी जब बढ़ा तो इनकी जो स्टैंडर्ड लिविंग थी वो डिक्लाइन हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज्यादा इन्वॉल्व हुए। इससे पहले या अभी तक ब्रिटेन का क्या इमेज था? ब्रिटेन का एक क्लासी इमेज था। क्लासी इमेज में तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड को वो शो करते थे। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ भी आते थे, काफी लेविस लाइफ स्टाइल जीते थे, लेकिन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर के इनका जो लाइफ स्टाइल था डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कुछ चीजों को। बोले कि पॉपुलेशन ग्रोथ, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। एक चीज क्लियर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ। अब यहां देखिए एक चीज और हो जाएगा। अच्छा, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। हम जिक्र किए हुए थे कि ब्रिटेन में जो फर्स्ट इंडस्ट्री थी वो 1730s में सेटअप हो गई है। प्रोडक्शन भले 1760s में किया, या हम दूसरी बात करेंगे 1840s के आसपास आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप हो गई। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल वर्क में इन्वॉल्व हो गए। तो अगर लोग इंडस्ट्रियल वर्क में इन्वॉल्व है तो फूड रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होगी? तो फार्मर के ग्रेन से ही फुलफिल होगी। यहां पे कंडीशन क्या हो गया कि डिमांड बढ़ गया। देखिए, एक चीज सिंपल सा इकोनॉमिक का लॉजिक है कि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई और प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो फूड आइटम्स चाहिए ही, चाहे आप कहीं भी जॉब कीजिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जॉब कीजिए, उससे मतलब नहीं। खाना तो खाइएगा, खाना खाइएगा किस चीज का? ग्रेन्स का। अब किसी मिनरल्स को तो नहीं खा जाएगा, इतना पत्थर ये सब तो नहीं खाइएगा। तो सिंपल सा डिमांड बढ़ा तो सप्लाई और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। अब देखिए, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है वो कॉर्न लॉस है। ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, एक प्रेशर पुट किया। किस पे? वहां की गवर्नमेंट पे। और प्रेशर क्या पुट किया कि कॉर्न जो है वो कॉर्न की इंपोर्ट को टोटली बैन कर दीजिए, कि ब्रिटेन में इंपोर्ट यानी कि बाहर के किसी कंट्री से कॉर्न नहीं आएगा। तो ब्रिटेन वाले किस पे डिपेंड रहेंगे? ब्रिटेन वाले डिपेंड रहेंगे ब्रिटेन के फार्मर्स पे कॉर्न के लिए। और अगर डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो उस सेंस में क्या हो जाता है, प्राइस इंक्रीज कर जाता है। इससे फायदा किसको था? इस जो प्रोसीजर से, कॉर्न लॉ आने से, कॉर्न लॉ का मतलब था ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे प्रेशर पुट कर दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट कॉर्न नहीं आ सकता था। तो इससे फायदा किसको था? वहां के फार्मर को फायदा था, डायरेक्टली वो काफी एंजॉय किए जा रहे थे, मजे लिए जा रहे थे। ठीक है, The laws allowed the government to do this known as corn laws. तो ये क्या कर दिया, इंपोर्ट को गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग स्टेज में बैन कर दिया। फार्मर को काफी अच्छा फायदा हो गया। प्रॉब्लम किसको हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो लोग इन्वॉल्व थे प्रॉब्लम उनको हुआ। ज्यादा दिन तक चला नहीं, फिर इंडस्ट्रियल लोगों ने प्रेशर पुट कर दिया। और जब प्रेशर पुट कर दिया गवर्नमेंट पे तो फिर से इंपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया, इंपोर्ट को हटा दिया गया, यानी कि फॉरेन से कॉर्न आसानी से अवेलेबल होने लगे। पहले जब कॉर्न ब्रिटेन में कम था तो प्राइस ज्यादा थी, लेकिन जब फॉरेन से कॉर्न आने लगी तो ब्रिटेन एग्रीकल्चरली एडवांस कंट्री नहीं है, उसके कंपेयर में वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन उस टाइम एग्रीकल्चर में एडवांस था। तो जो इंपोर्ट वाला कॉर्न था उससे वो क्या किया, कंपटीशन नहीं कर पाए। कंपटीशन नहीं कर पाने का मतलब इंपोर्टेड जो कॉर्न था उसका प्राइस काफी कम होते थे। तो कंपटीशन नहीं किया तो अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर छोड़ करके अलग अलग जॉब में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग जॉब छोड़ वहां पे अपना एग्रीकल्चर छोड़कर किसी और कंट्री में मूव कर गए, जैसे अमेरिका की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, इंडिया की तरफ भी वो मूव किए, इंडिगो के प्रोडक्शंस के लिए वो जिक्र किए हुए हम लोग।
तो क्या हुआ कि जब इंपोर्ट को हटा दिया गया और कॉर्न फॉरेन मार्केट से अवेलेबल होने लगा ब्रिटेन में, तो वहां के फार्मर्स अपना जॉब धीरे धीरे छोड़ने लगे क्योंकि उनको अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं थे। ठीक है, बिटवीन 1820 एंड 19 वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव अ मल्टीप्लाइड 25 टू 40 टाइम्स। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड जो है काफी ज्यादा कनेक्ट हुआ। इसके बहुत सारे रीजंस है। पहली बार स्वेज कैनाल जब बनी, तो स्वेज कैनाल 1869 में बनी और स्वेज कैनाल बनने के बाद कनेक्टिविटी यूरोप और एशिया के बीच में काफी कम हो गई। काफी जो डिस्टेंस था वो काफी कनेक्टिविटी बढ़ गई, डिस्टेंस कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि ये लोग ज्यादा ट्रेड करने लगे और कितना टाइम्स ज्यादा हो गया, 25 से 40 टाइम्स ज्यादा ट्रेड होने लगा। ठीक है, अब यहां देखिए 60% ऑफ द ट्रेड कंप्रोमाइज प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो 60% ट्रेड होते थे वो ग्रेन्स के होते थे या रॉ कॉटन के होते थे। तो अभी भी यहां पे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल ही नहीं था। इस टाइम पीरियड में 60% ट्रेड किस चीज का होता था, तो प्राइमरी प्रोडक्ट का होता था, एग्रीकल्चरल सेक्टर का होता था या माइनिंग के वो मिनरल्स रहते थे, रिसोर्सेज रहते थे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पर हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आएगी तो ट्रेड बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, रेलवेज एक्सपेंड हुए और रेलवेज एक्सपेंड करेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ गया, आसानी से फार्मर के गुड्स को पोर्ट तक ले जा सकते हैं। टेलीग्राम वाली जो फैसिलिटीज थी वो भी इंप्रूव हो गई, अच्छे क्वालिटी के शिप बिल्ड हुए जिससे कम टाइम में आप लार्ज डिस्टेंस कवर कर सकते थे। तो एक कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो था, रेलवे, स्टीम शिप्स, स्टीम इंजन, बहुत सारे मशीन जो स्टीम इंजन के थ्रू ऑपरेट होने लगी और टेलीग्राफ, तो इन सब चीजों से क्या हुआ, कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं क्या दूसरे शब्दों में कि जो पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो था वो फास्ट हो गया ड्यू टू हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द ट्रेड इन द मीट, बल्कि मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्ट प्रोसेस, बल्कि मेनी आल्सो डाइड इन वॉयजेस, फेल इन इल, लॉस्ट वेट और बिकेम अनफिट टू ईट। दूसरी बात की देखिए, जब लोग मूव कर रहे थे ब्रिटेन से लार्ज स्केल में, उस केस में हुआ क्या, उस केस में बहुत सारे लोग, आपके इमेज दिया हुआ है बुक में कि बहुत सारे लोग डॉक यार्ड्स पे या जो पोर्ट होते थे वहां पे जाकर वेट करते थे काफी लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि दो दिन में फ्लाइट पकड़े और उड़ करके आ गए इंडिया, काफी 7000 किलोमीटर था। अगर स्वेज कैनाल नहीं है तो 7000 किलोमीटर कितना भी खाना लेकर के चलिएगा और कौन सा खाना है जो इतना ज्यादा सर्वाइव करेगा। तो इतनी लंबी समुद्री यात्रा से क्या होती थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे या तबीयत खराब हो जाती थी, वेट खत्म हो जाता था, वेट मतलब कम हो जाता था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था इतने लॉन्ग समुद्री यात्राओं में। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो थी, हर जगह पे प्रॉब्लम थी, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, कॉर्न लॉज की बात करें या माइग्रेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात, हर जगह प्रॉब्लम थी। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी क्या, पॉजिटिविटी है कि ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था, कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। लेट 19th सेंचुरी क्लोनिज्म, लेट 19th सेंचुरी में क्लोनियल नेशन तो थे, पहले से भी थे, अर्ली 19th सेंचुरी में भी क्लोनियल नेशन थे। और ब्रिटेन के तो ऐसा कंट्री था, कहा जाता है कि जहां पे सनराइज होता था वहां पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, क्लोनियल नेशन तो उसके पास पहले भी थे और अभी जो जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं अभी भी है। पर ये कंक्वेस्ट प्रोड्यूस मेनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंज। देखिए, हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। तो ग्लोबल वर्ल्ड जो बन रहे थे या क्लोनीज जो बन रहा था, तो ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कि रेड कार्पेट पे क्लोनियल पीपल का वेलकम करते थे, रिप्रेस करके उनके रिसोर्सेज को यूज करते थे। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 5 में आप पढ़िएगा, गोमस्ताज को उन्होंने अपॉइंट किया था रिप्रेस करके, जहां पे आपके फूड प्राइसेस 100 रुपीज होनी चाहिए वहां पे 5 और 10 रुपीज में आपके गुड्स को लेकर के जाते थे। तो इसका एक ड्रॉबैक क्या देखने को मिला, इसका एक ड्रॉबैक देखने को मिला, पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। पेनफुल था इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे थे। आपका लैंड है, आपकी मदर लैंड है और उस पे कोई और रूल कर रहा है, उसके रिसोर्सेज का प्राइस डिसाइड कोई और कर रहा है, आपके लैंड पे आपसे टैक्स कोई और कर रहा है, आउटसाइडर कर रहा है, तो ये पेनफुल है। ऐसा नहीं कि आपको एक अलग लेवल की खुशी दे देगी। ठीक है, इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ द अफ्रीका बिटवीन देम। दूसरी बात कि बर्लिन में सारे यूरोपियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, तो यूरोप को छोड़कर के स्पेशली और भी जो आपके कॉन्टिनेंट्स तो उनको टारगेट करते, तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट टारगेट करके कि वो उनके रिसोर्सेज को लार्ज स्केल में यूज करेंगे। लूटे वो बस एशिया को नहीं थे, अफ्रीका को भी वो लूटे थे, लार्ज स्केल में लूटे थे,
और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका में आकर सेटअप हुए थे, कोई एक कंट्री नहीं था, हर कोई वहां पर मिक्स था। तो जहां पर भी इनको रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी दिखती थी वहां के लोग थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली कम एडवांस रहते थे, दुनियादारी जो हम लोग बोलते हैं नहीं समझ रहते थे, उनको लूट करके ले जाते थे। रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। अब यहां पर क्या होगा कि इसका एक बहुत सारे आपके आउटकम्स, नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलेगा। जानवरों में प्लेग जैसी डिजीज स्प्रेड हो गई जिससे लार्ज स्केल में जानवर भी मरे। तो इस तरह से जो ए पार्ट है उसको हम लोग कवर किए हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप किसी भी तरह की नोट्स की रिक्वायरमेंट है या चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की, कंटिन्यू बच्चों का मैसेज आते रहता है कि सर इस चीज का हमको नोट्स भेज दीजिए, तो उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहां पे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप के लिंक को डाउनलोड कर दीजिए। और उससे क्या होगा कि आपको मेरे से नहीं मांगना पड़ेगा, आपके नोट्स आपके पास रहेंगे ऑलवेज। हर चैप्टर का बार बार बताता हूं, हर चैप्टर का नोट्स भी है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी है और टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू क्विज है। तो अपने आप को आप जज कर सकते हो खुद से, किसी के इन्वॉल्वमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात की तो आपके एसएसटी वाले हो गए, साइंस के लिए इग्नाइट सोल्ट है और उसमें साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट कवर किए जा रहे हैं। दूसरी बात की बहुत सारी चीज हम लोग अपने ऐप में और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपके स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। 24/7 हम लोग अवेलेबल है डिस्कशन करने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा और भी आपको नॉलेज चाहिए कि क्या वर्ल्ड में चल रहे हैं या डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग अलग अलग पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी धमाकेदार तरीके से। Thank you.